हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज से हम लोग अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है java.lang पैकेज। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों की इनर क्लासेस की जो सीरीज थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और इनर क्लासेस सीरीज़ में हम लोग ने ऑलमोस्ट 8 वीडियोस कवर करी थी। यहाँ पर हमारी पास 8 वीडियोस इनर सिक्स करीबन 8 वीडियोस यहाँ पर हमारी इनर क्लासेस में हम लोगों ने कवर करी थी। और आई होप इनर क्लासेस की सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई हो। अगर इनर क्लास की सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी। और अब हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है java.lang पैकेज। तो बेसिकली ये भी एक तरीके का जावा का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक पैकेज है जावा का, java.lang जिसका नाम है। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर अपना एजेंडा देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हम लोग ये समझेंगे कि बेसिकली java.lang.object क्लास क्या होती है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ क्या होता है, ये सब समझेंगे। और इसी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमारे पास कुछ यूज़फुल मेथड्स होते हैं जिनका नाम होता है टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड। टू स्ट्रिंग और हैश कोड मेथड का डिफरेंस देखेंगे बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है। और डॉट इक्वल्स मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। डॉट इक्वल्स और टू स्ट्रिंग तो बहुत यूज़फुल मेथड है जो कि हमारा डेवलपमेंट में भी बहुत काम आता है। इसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन डॉट इक्वल्स मेथड एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर। तो बेसिकली इसमें क्या रिलेशनशिप है, इनकी कैसे वर्किंग होती है और इसके पीछे ये कैसे इनका यूज़ केस क्या होता है, वो सब हम लोग समझेंगे। इसके बाद हमारे पास है जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डॉट इक्वल्स मेथड एंड हैश कोड मेथड। तो बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डॉट इक्वल्स और हैश कोड मेथड का क्या यूज़ है, मतलब हम लोग ये देखेंगे। मतलब इसका ये है कि इंटरनली हैश कोड मेथड कैसे कॉल होता है, हैश कोड मेथड का यूज़ क्या होता है, ये सब समझेंगे। अब जैसे java.lang पैकेज के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे उसमें। उसके बाद सिमिलरली जैसे java.lang में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास है, उसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग क्लास भी है java.lang पैकेज में। तो स्ट्रिंग क्लास में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है SCP, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें इसकी इंटरनल वर्किंग मेमोरी में कैसे स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है। और स्ट्रिंग अगर मान लो सेम स्ट्रिंग अगर आप दो स्ट्रिंग बनाते हो वो एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग होती है तो वो किस तरीके से मेमोरी में क्रिएट होती है। यहाँ पर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हीप का और एक होता है SCP का। मतलब कौन सी स्ट्रिंग जो है हीप में बनेगी, कौन सी स्ट्रिंग SCP में बनेगी, ये सारा केस हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मेमोरी में एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। स्ट्रिंग क्लास के कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ स्ट्रिंग क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं इनबिल्ट, जैसे टू स्ट्रिंग हो गया या फिर ट्रिम हो गया, इसी तरीके के हमारे पास लेंथ मेथड है, ऐसे ही करके हमारे पास बहुत सारे यूज़फुल इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसी java.lang.string क्लास के पैकेज के अंदर देखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जैसे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रिंग बफर हमारे को पहले मिल जाता है जावा के वर्जन में और स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो 1.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है, अगर इनके मेथड्स की बात करी जाए तो दोनों में इनबिल्ट मेथड्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों के मेथड्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें से एक सिंक्रोनाइज्ड होता है और एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर। अब जैसे कि हमने अभी बोला कि यहाँ पर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम होते हैं, वर्किंग भी दोनों की सेम होती है, तो फिर डिफरेंस क्या होता है वो सब हम समझेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर रैपर क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली जावा में हमारे पास 7 रैपर क्लासेस होती हैं, जैसे इंटीजर क्लास, इंटीजर भी एक रैपर क्लास होती है, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट और तुम्हारा बूलियन, इसी ऑब्जेक्ट, ये सारी तुम्हारी जो है रैपर क्लासेस होती हैं। और डबल, ये सारी जितनी भी करेक्टर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तुम्हारी, ये सारी रैपर क्लासेस के अंदर आती हैं। और रैपर क्लासेस का कैसे यूज़ होता है, उसके रैपर क्लासेस में जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जैसे टू स्ट्रिंग हो गया, हैश कोड हो गया और या फिर वैल्यू ऑफ हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो देखेंगे। और इसके बाद जैसे तुम्हारे पास ये फिर आता है यूटिलिटी मेथड्स। अब देखो यूटिलिटी मेथड्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं
जो कब किस केस में कैसे काम करते हैं वो हमें इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वैल्यू ऑफ मेथड हम किसी कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में कैसे काम करेगा, अगर किसी रैपर क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कैसे काम करेगा, अगर किसी स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कैसे काम करेगा। इसी के साथ साथ ऐसे ही हमारे पास है एक्स 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 वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है, इंट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, इस तरह से। तो ये मेथड की क्या वर्किंग होती है, किसका क्या यूज़ केस होता है, इसको कब हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर पार्स एक्स 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 है, तो इसका मतलब ये है कि पार्स इंट हो गया, पार्स लॉन्ग हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे मेथड का यूज़ केस क्या होता है। डेवलपमेंट में ये मेथड बहुत यूज़फुल होते हैं, या फिर डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब भी ये मेथड जो है बहुत यूज़फुल होते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बहुत यूजुअली मतलब बहुत रैंडमली ये मेथड यूज़ होता है, टू स्ट्रिंग मेथड जो होता है। तो टू स्ट्रिंग मेथड बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास में भी होता है, लेकिन अगर हम टू स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं ओवरराइड करके, या फिर स्ट्रिंग बफर क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं ओवरराइड करके, या फिर किसी भी कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं ओवरराइड करके, तो उस केस में टू स्ट्रिंग मेथड की वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को पिछली सीरीज़ जो कि इनर क्लास थी उसमें मज़ा आया होगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। इसी ऐसे ही हम लोग इस सीरीज़ में भी, हमारी जो java.lang की सीरीज़ है इसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। और बहुत ही जल्द हमारी पहली वीडियो जो है इंट्रोडक्शन है जो होगा हमारा java.lang पैकेज का, वो बहुत जल्द हम लेने वाले हैं, इसका वीडियो आने वाली। आई होप आप लोगों को ये सारा एजेंडा जो है वो पसंद आया होगा और आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय करने वाले हैं जिस तरीके से अभी तक की सारी सीरीज़ आप लोगों ने एंजॉय करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहली इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ हमारी java.lang सीरीज़ में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ। We'll be right back.